अमेजोन के पहले दो कंपनी में मैं कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हुआ था लास्ट राउंड. दिस टाइम आई मेड इट, सो इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी गुड मोमेंट फॉर मी. Hi everyone, I am Fraz and I am a software engineer at Google. तो आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. भले ही आप लोग BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, फिर कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं, आप लोग को बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलने वाली है. तो यार, एक स्टूडेंट जिसने 3 साल बिल्कुल भी कोडिंग नहीं किया एंड फाइनली ही वॉज एबल टू क्रैक Amazon, ये पूरी जर्नी हम लोग देखने वाले हैं आज. तो मेरे साथ आज मंगलेश हैं, जिन्होंने BCA किया था एक Tier 3 कॉलेज से और रिसेंटली उन्होंने Amazon क्रैक किया है. उनकी पूरी जर्नी हम लोग सुनते हैं. BCA MCA वाले स्टूडेंट, थोड़ा फोकस लगा करके ये पूरी पॉडकास्ट सुनना. और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जो भी आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है, उसको प्लीज़ अपनी लाइफ में भी आप लोग इंप्लीमेंट करना. ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट. हाय मंगलेश, हाउ आर यू? या आई एम फाइन. या तो यार मंगलेश, हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना. माय नेम इज मंगलेश पांड्या. मैंने BCA करा है एक Tier 3 कॉलेज से and then I cleared NIMCET, which is basically for entering into NIT's college, and then I did MCA from there, and recently I've been placed in Amazon as a full-time software engineer. Nice. तो यार आपकी जर्नी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने BCA किया, उसका क्या रीज़न था? Why did you go for BCA? BCA के लिए कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं था. स्टार्टिंग में आफ्टर 12th मैं सोचता था कि आई जस्ट गेट इन टू द गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल दो स्टफ. सो उसके लिए जस्ट मुझे ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने BCA करा था. और BCA बेसिकली मैंने एक Tier 3 कॉलेज से करा था. उस वहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसा कल्चर नहीं था अच्छा, जस्ट इट्स लाइक जस्ट ओनली फॉर ग्रेजुएशन. तो BCA का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आप मुझे बता सकते हैं, आपके भी कैंपस प्लेसमेंट होते होंगे, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते होंगे, तो कौन सी कंपनीज आती हैं BCA में? BCA में स्पेशली मेरे केस में, हाँ हमारे कॉलेज में तो कोई कंपनीज नहीं आती थी. मतलब बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पर आती थी, बट BCA को वो लोग अलाउ नहीं करते थे. बट अगर कोई दूसरा बंदा है जिसको अच्छे कॉलेज से वो BCA कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ स्मॉल स्केल कंपनीज आ सकती है, जैसे TCS है, विप्रो है, वो उन लोगों को हायर करती है. बट बिग कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड दोज कंपनीज आर नॉट हायरिंग दोज पीपल्स. गॉट इट. ठीक है, मतलब ओपन ही नहीं होती हैं. ठीक है, तो हमें एक बार अपना कोडिंग कल्चर भी बताओ अपने कॉलेज का. कैसा आपका एक्सपीरियंस था, कैसा कोडिंग कल्चर था? मतलब लोग DSA वगैरह करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे? BCA में तो ऐसा कुछ नहीं था. BCA में सब लोग जस्ट कैरिकुलम को फॉलो करते थे. वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था DSA के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए. जस्ट कैरिकुलम में जो भी आता था वही पढ़ लेते थे, एग्जाम में पास हो जाते थे. तो यार आप किसी भी कंपनी की बात करें, आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम तो आना चाहिए और एक अच्छी लेवल का DSA आना चाहिए अगर आप लोग कोई तगड़ी कंपनी क्रैक करना चाहते हैं. तो अगर आप लोगों को DSA बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से सीखना है बिल्कुल एडवांस लेवल तक, तो यू कैन कंसीडर कोडिंग निंजास कोर्सेज. अगर कोडिंग निंजास के कोर्सेज काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं और मेरे कॉलेज के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी ट्रस्ट भी है इन कोर्सेज पे. तो सबसे सही कोर्सेज मेरे को DSA के लगते हैं. इफ़ यू वांट टू डू एनी कोर्स, यू कैन चेक आउट कोडिंग निंजास के कोर्सेज. अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को भी मिल जाएगा और एक 15% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, प्लस एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है. तो वहाँ पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर लेना. 50% फ्लैट है और एक वेरिएबल आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है. वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में कवर कराए गए हैं और हर एक वीडियो के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद एक हिंट वीडियो दिया गया है, जस्ट इन केस आप लोग क्वेश्चन करते करते स्टक हो जाते हैं, यू कैन वॉच दैट हिंट वीडियो. और अगर हिंट वीडियो से काम नहीं चलता है तो 1-on-1 TA सपोर्ट मिल जाता है. तो यार दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोर्स को फॉलो करने के लिए. पहली चीज़, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे. दूसरी चीज़, कहीं भी आप लोग स्टक होते हैं तो TA सपोर्ट ज़रूर लेंगे. अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, देन आप लोग बहुत ही अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम यहाँ से सीख पाएंगे. अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो यार BCA करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? देखो, पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया कि एक जॉब ले लो आप, एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, इंफोसिस, विप्रो हो गई, ये सारी कंपनीज, कैपजीमिनी वगैरह हो गई, तो इसमें आप जॉब ले लो. ये तो पहला ऑप्शन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास? अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं. एज अ ग्रेजुएट होने के बाद आप MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और MSc भी कर सकते हैं. हाँ जी, MSc भी कर सकते हैं. आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, सो उसमें से आपने MCA सेलेक्ट किया. मतलब MSc और MCA, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या प्लेसमेंट्स वगैरह में आगे चल के? हाँ जी, MSc और MCA में बेसिकली MSc के लिए
अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एमसीए के लिए अलग होती है। और एमसीए में जो था, एमसीए में ज़्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमएससीज, और एनआईटीज़ का कल्चर बहुत अच्छा होता है एमसीए के लिए, सो इसीलिए मैंने एमसीए चूज़ करा था। तो अपार्ट फ्रॉम एनआईटीज़ और भी कॉलेजेस एमसीए कराते हैं, उसके लिए क्या अलग एग्ज़ाम होता है? हाँ जी, सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। NITs के लिए NIMSET होता है, JNU होता है, BHU होता है, अलग 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 एग्ज़ाम्स होती हैं इनकी सब। JNU है, BHU है, BITS मेसरा है, KIIT है, ये कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस है जो MCA करवाते हैं, जिनकी एग्ज़ाम्स होती है, और ऐसे बहुत सारी होती है। साउथ में अलग अलग कॉलेजेस हैं, मुझे भी एग्जैक्ट बहुत सारे कॉलेज के नाम नहीं पता। Got it. तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी, मतलब वहाँ पर क्या क्या मटेरियल, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं? ओके, सो प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और उसमें बेसिकली मैथ्स मेजर पार्ट होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर फंडामेंटल, सो दीज आर द फोर सब्जेक्ट दैट वी हैव टू कवर ऑन दैट, एंड मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा होता है उसमें। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम वगैरह आते हैं क्या? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये नहीं आते हैं, बस कंप्यूटर फंडामेंटल, कुछ कुछ लॉजिक गेट्स। तो यार फाइनली हमें एमसीए के बारे में थोड़ा सा बताओ, पहले ये बताओ कि आपने कौन से कॉलेज से एमसीए किया एंड वहाँ पर क्या कल्चर रहता है, मतलब वहाँ पर क्या डिफरेंस है बीसीए में एंड एमसीए वाले कॉलेज में? सो मैंने एमसीए एनआईटी सूरतकल से करा है, तो एमसीए और बीसीए में बहुत फ़र्क पड़ा था। जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ था एक टायर वन कॉलेज में, तो वहाँ पर मुझे पता चला यहाँ पर लाइक कोडिंग में कुछ चीज़ होती है, और लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते थे, डी से करते थे, डेवलपमेंट करते थे, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करते थे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल करिकुलम। ओके, सो ये चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी थी, और वहाँ के जो सीनियर्स थे हमारे, जो स्टार्टिंग में ही हम लोग जब गए थे, तो वहाँ से हम लोगों को उन्होंने गाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर प्लेसमेंट्स एंड दैट यू हैव टू स्टडी। सो काफ़ी अच्छा था, एमसीए का कल्चर बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू बीसीए। तो यार मेन डिफरेंस जो है वो कल्चर ही क्रिएट करता है, मतलब अगर आपके कॉलेज में कोडिंग कल्चर है, यस, तो अगर आपका टीयर थ्री कॉलेज भी है, वहाँ पर कोडिंग कल्चर अगर आ गया है, तो बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स लगना स्टार्ट हो जाती है एकदम से। फिर अगले वाले जो जनरेशन रहती है उनको भी रहता है कि हमारे सीनियर्स ने प्लेसमेंट निकाली है तो हमें भी प्लेसमेंट निकालनी है। सो आई थिंक ये जो आपका मूव था बीसीए से एमसीए का, बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छा डिसीजन था। एंड मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि वहाँ पर किस किस टाइप की कंपनीज आती हैं जो कि आपके लिए ओपन रहती हैं, स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर यू, नॉट फॉर बीटेक, नॉट फॉर एमटेक, एमसीए के लिए कौन सी कंपनीज ओपन रहती हैं आपके कॉलेजेस में? सो जहाँ तक मुझे याद है, एमसीए के लिए मोस्टली कंपनीज खुल जाती है, जैसे हमारे लिए ऊबर खुली थी, अमेजोन खुली थी, वीज़ा खुली थी, ड्यूज बैंक एंड लॉट्स ऑफ टायर वन कंपनी हमारे लिए खुल जाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब लगभग बीटेक करने के बाद जो कंपनीज ओपन होती हैं, लगभग वो सारी कंपनीज हो जाती हैं, अगर ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस तो एटलीस्ट हो ही जाती है ओपन, सभी ऑफ कैंपस खोली जाती है। एग्जैक्टली। और यार एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैलरीज वगैरह सेम रहती है, मतलब जो बीटेक वाले एक स्टूडेंट को मिलेगी वही एक एमसीए वाले स्टूडेंट को भी मिलेगी सेम सैलरी? हाँ, सैलरीज सबका सेम होता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है यार। तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप लोग बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे डाउट आता है कि भैया हम बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो यार आपने एमसीए में आने के बाद कोडिंग वगैरह करना कब स्टार्ट किया? सो जैसे ही फर्स्ट ईयर था एमसीए का, तो फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट करा था एंड हैकर रैंक, फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे, फर्स्ट तो मैंने C++ एक लैंग्वेज पकड़ी थी, फिर उसके बाद मैंने जैसे ही नॉर्मली सब लोग करते हैं हैकर अर्थ हैकर रैंक, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करा, DSA पढ़ा, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से मैंने लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स और थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक कि जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं कहीं भी, तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था, और कुछ कुछ मैंने कोड शिफ्ट चलाता है, मोस्टली मैं लीड कोड करता था और DSA वाली चीज़ें करता था। Nice. तो मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव की भी जरूरत नहीं पड़ती है इफ़ यू आर एमिंग फॉर टीयर वन कंपनीज, मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्यू कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस, मतलब मैंने भी नहीं करती बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। अगर अपार्ट फ्रॉम कोडिंग आपने और क्या क्या किया फॉर योर प्लेसमेंट्स, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपने करी थी? हाँ जी, मैंने तीन प्रोजेक्ट्स किए थे, एक लाइव प्रोजेक्ट था और दो मेरे करिकुलम में थे, और उसके बाद मैंने जैसे सब लोग करते हैं DBMS, OS, डेटा स्ट्रक्चर, नॉर्मल जो थ्योरी वाले पार्ट, वो मैंने इंटरव्यू के जस्ट जब हमारा प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होता है उसके 2-3 महीने पहले मैंने उसके लिए स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। प्रोजेक्ट का थोड़ा आइडिया दे सकते हो, मतलब आपने कौन सा स्टैक फॉलो किया था, मतलब वेब डी में थे, मशीन लर्निंग में थे, किस में थे वो?
बेसिकली वेब डेवलपमेंट में था और मैंने पाइथन में जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेशन से थोड़ी मतलब गेम डेवलपमेंट और मेजरली पार्ट मैंने वेब डेवलपमेंट में करा था. वेब डेवलपमेंट मेरा ज़्यादा स्ट्रांग था उस टाइम. कि एक स्टूडेंट अगर BCA करता है तो उसका क्या पाथ रह सकता है आगे जाके. दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन एंड इट इज़ वन ऑफ द सेफ ऑप्शंस. मतलब यहाँ पर आने के बाद आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाते हैं. और 3 साल का प्रोग्राम होता है MCA प्रोग्राम, तो उसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से कोडिंग भी सीख लेते हैं, डेवलपमेंट भी सीख लेते हैं. और जस्ट इन केस आपने किसी अच्छे कॉलेज से MCA किया तो वहाँ पर आपको कल्चर बहुत अच्छा मिल जाता है, सीनियर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं एंड कंपनीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए. तो यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेज़ॉन में आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था उसका? सो अमेज़ॉन हमारे कॉलेज में आई थी फॉर SDE रोल एंड बेसिकली उन लोगों का कंडीशन थी दे आर गिविंग 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस FTE ऑफर और ओनली 6 मंथ इंटर्नशिप फॉर MCA पीपल एंड दे जस्ट कम फॉर फुल टाइम SDE फॉर BTech. 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू आर देयर. फर्स्ट वन वॉज कोडिंग एंड थ्री आर द इंटरव्यू राउंड. सो फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया था. फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू एक सेम डे थे और जो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू वो नेक्स्ट डे था. फिर उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद मुझे दोनों ऑफर मिल गया था, 6 मंथ इंटर्नशिप एज वेल एज FTE. ग्रेट. ठीक है यार, तो आपकी क्या फीलिंग थी मतलब ये ऑफर मिलने के बाद और आपके पेरेंट्स वगैरह की क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? फीलिंग्स इट वाज वाउ मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम बिकॉज अमेज़न के पहले 2 कंपनी में मैं कंटिन्यूसली रिजेक्ट हुआ था लास्ट राउंड में और लास्ट राउंड मेरे को ऐसा लगता था कि हमेशा मेरा होगा ही नहीं. बट इस दिस टाइम आई मेड इट. सो इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी गुड मोमेंट फॉर मी. ओके ग्रेट. तो यार जैसा आपने बताया आपका जो प्लेसमेंट हुआ इट वॉज ऑन कैंपस, तो इस तरीके से आपके फ्रेंड्स वगैरह भी थे जिनका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इन सारी मतलब बिग MNCs में? हाँ, कुछ लोगों ने मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई किया था. किसी ने 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए करा, किसी ने डायरेक्ट FTE के लिए करा था. तो उन लोगों के भी अच्छी बिग MNCs में प्लेसमेंट मिल गया. ग्रेट. वैसे मैं आपके एक फ्रेंड को जानता हूँ जिनसे मेरी पहले बात हुई थी एंड ही आल्सो क्रैक्ड ऑफ कैंपस ऑफर. फर्स्ट डेट 6 मंथ इंटर्नशिप, देन ही क्रैक्ड, देन ही गॉट द PPO फ्रॉम देयर. यस ऑफ कैंपस था. तो मुझे काफ़ी मतलब सुन के खुशी हुई कि यार MCA करने के बाद लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. BTech वालों को मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिशन है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है. सो BCA करने के बाद भी आपके पास एक क्लियर पाथ है. दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू डिलीवर इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड काफ़ी टाइम बाद काफ़ी मुश्किल से ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया. थैंक्स अ लॉट मंगलेश फॉर बीइंग हियर और इतना कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.